Hello everyone, once again welcome back. First of all, I like to congratulate to all the students who have received the email regarding an interview. So most of the students ko interview ka mail aa gaya hoga. Ab kai log bolenge sir mere ko mail nahi aaya abhi tak and I'm still waiting. Kai log ka message aaya ki aa gaya, thank you very much, aap logon ne mujhe inform kiya ki aapko mail aa gaya hai interview ka. Exempted students ki baat kar raha hu main, exempted not the RET. ठीक है, डेट है 25-26, सो डेफिनेटली आपके मेल में वो डिटेल लिखा होगा. सो कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि सर मेरा अभी तक नहीं आया. सो उन लोग के डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं. देखिए, ये ऑटो जेनरेटेड सिस्टम है, गॉट इट, पूरा एक डेटाबेस बना है, ईमेल बना है. सो मेल शूट आउट हो रहे हैं, आज पूरे दिन ये काम हो रहा था मेल सेंड करने का. सो इट माइट बी पॉसिबल आपको मेल अभी नहीं आया, कुछ को आ गया. अब आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज कई बार कई स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है, वो वेट करते रह जाते हैं और वो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाते. जिसका मेल आ गया है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट. जिसका मेल नहीं आया है, वो पहला काम ये करे कि अपने इनबॉक्स की जगह स्पैम बॉक्स के अंदर चेक करे. नीचे होता है ना स्पैम और थ्रैश का बॉक्स, बटन होता है थ्रैश का और स्पैम का, आप वहां पे जरूर चेक करिए. बिकॉज देखिए, ये ईमेल जो है डोमेन इसका होता है बीएचयू वाला, bhu.ac.in. सो कई बार जीमेल या आप जो आप कोई भी दूसरा ईमेल यूज कर रहे हो वो उसको जंक मेल समझता है, और जंक मेल समझने के बाद दैट मेल विल गो टू द स्पैम एंड यू आर नॉट एबल टू चेक योर ईमेल. आप बोलोगे नहीं आया, बट मेल शूट आउट हुआ और आया भी, और वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला गया. ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के जो डोमेन होते हैं उनको वो स्पैम में डालता है. तो पहली चीज आपको ये करना है, अपना स्पैम और थ्रैश को चेक करते रहिए कि मेल इधर तो नहीं स्लिप हुआ है. दूसरा चीज, अगर मेल आ गया है तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, आई कैन प्लान. अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, सो हम एक, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए. देखिए, कई सारे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, एक तो नंबर को लेके कि टेस्ट बी के कितने नंबर ऐड अप होंगे, एकेडमिक के नंबर कितने ऐड अप होंगे, रिसर्च प्लान प्रपोजल लेके जाना है, प्रिंट आउट लेना है, वहीं पे लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सर इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? सो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि एक जल्दी से एक सेशन भी ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप इस तरीके का कोई सेशन चाह रहे हैं जिसमें कि मैं सबके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर दूं, और आप कल से बिल्कुल माइंड फ्री होकर तैयारी करो. बिकॉज देखिए, ये बहुत ज़रूरी है. अब जो भी डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे, आपके एग्जेम्प्टेड में UGC JRF है या नेट CSIR की है, किसी भी फेलोशिप की है, कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है, बट अगर आपने इंटरव्यू में या रिसर्च प्रपोजल में परफॉर्म नहीं किया, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो कॉल लेटर है उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप कर दो. मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, सो दैट कि उसकी हेल्प से मैं आपको डिटेल्स बता पाऊँ कि आगे क्या करना है. और अगर हम कुछ सेशंस प्लान करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्लीज़ उसके लिए भी कॉमेंट में लिखिएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द ऑल द PhD एस्पायरेंट्स जिनको मेल आया है. सो डेफिनेटली आपका होगा, बी कॉन्फिडेंट, PhD में रजिस्ट्रेशन कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज यू ऑल आर एग्जेम्प्टेड, यू हैव द एक्सटर्नल फंडिंग, यू आर द आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. प्लीज मैसेज जरूर करिएगा, किसी को भी मैसेज नहीं आया, मेल नहीं आया, या आया है तो प्लीज आई एम वेटिंग फॉर यू.